नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की जानकारी मैं आज आपको फिर से देने जा रही हूँ, जिसका नाम है पीएम यशस्वी योजना। और आप सभी को बताने जा रही हूँ कि वे सभी स्टूडेंट्स जो ओबीसी कैटेगरी के तहत आते हैं और 10वीं से ऊपर किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, कॉलेज में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे है, चाहे वह स्कूल में 11वीं 12वीं में है, चाहे वह ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उससे भी ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं से ऊपर, वह सभी विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो क्या है ये योजना, कितनी धनराशि किस विद्यार्थी को मिल सकती है और कैसे इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है, क्या क्या कागजात चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी से बार बार अपील करती हूँ, फिर से एक बार करना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ से निकल जाएगी या फिर जानकारी आपको तब पता चलेगी जब अंतिम तिथि जा चुकी होगी। साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा बन चुका है सबकी शिक्षा फाउंडेशन, अपने सबकी शिक्षा फाउंडेशन को चलाने में सहयोग दीजिए। जो भी धनराशि आपको लगती है, आप जिसके द्वारा हमारी मदद कर सकते हैं, 1,000, 500, 200, 100, 50 रुपये, आप उसके द्वारा हमारी मदद करिए। याद रखिएगा, आपकी मदद से बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और कोई भी धनराशि कम नहीं होती। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार अगर हो सके तो हमारी मदद ज़रूर करिएगा, आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट, जिसे हम पीएम यशस्वी योजना कहते हैं, और इसके तहत देखिए यह इस प्रकार से डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोफेशनल कोर्सेज को एकेडमिक अलाउंस मिलता है 10,000 और ट्यूशन फी 10,000, टोटल 20,000 रुपया मिलता है। अदर प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं, जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्सेज होते हैं, उसमें 13,000 रुपया मिलता है, जिसमें एकेडमिक अलाउंस 8,000, ट्यूशन फी 5,000। उसके अलावा ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो ऊपर कवर नहीं हुए हैं, उसमें एकेडमिक में अलाउंस 6,000, ट्यूशन फी 2,000, तो टोटल 8,000 मिलता है। और ऑल पोस्ट मैट्रिकुलेशन कोर्सेज पोस्ट क्लास 11 को नॉन डिग्री कोर्सेज में 5,000 रुपया मिलता है टोटल। तो क्या कैसे मिलता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, जल्दी से बता देती हूँ। स्कॉलरशिप मिलती है सभी ओबीसी स्टूडेंट्स को जिनके माता पिता या गार्जियन की जो सालाना आय है 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। रेगुलर अटेंडेंस होनी चाहिए पिछले साल की 75% या उससे अधिक। वह स्टूडेंट जो CA, ICWA, CS, ICFA कर रहे हैं, वो ने डे स्कॉलर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा एकेडमिक अलाउंस के लिए। और जो कॉरेस्पॉन्डेंस ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, वह एकेडमिक अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आधार, बैंक डिटेल्स, पिछले साल की मार्कशीट, ओरिजिनल फी रिसीप्ट, फी स्ट्रक्चर, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट होगा इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी चाहिए होगा, कि ऐसा तो नहीं है कि विद्यार्थी यहाँ से भी स्कॉलरशिप ले रहा है, वहाँ से भी स्कॉलरशिप ले रहा है, पता चले कि वो कोई और स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड नहीं ले रहा है। और डेट ऑफ एडमिशन इन द कोर्स भी पता, आपको इसकी जानकारी भी देनी होगी। एक ही पेरेंट के, एक ही अभिभावक के दो बेटे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं। लेकिन लड़कियां कितनी भी हों, वह इसका एक पिता माता पिता की कितनी भी लड़कियां हों, वह इसका लाभ उठा सकती हैं। एक अपलोड करना होगा कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ आपने पिछले एग्जामिनेशन क्या पास करी है। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो SDM द्वारा बना हो या डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के द्वारा बना हो, और वैलिड होना चाहिए सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के टाइम। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ एक बार लिया जाएगा जब आप कोर्स में एडमिशन, जब आप एट टाइम ऑफ एडमिशन टू कोर्सेज, ठीक है। और इंस्टीट्यूट जो दिल्ली के बाहर स्थित है, तो उनकी वेरिफिकेशन पेज अपलोड करने की ज़रूरत होगी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। एक कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, जिसे गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ने इम्प्लीमेंट करा होगा। एप्लीकेशन अगर आधा अधूरा है, जिसने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो वह कैंसिल ट्रीट किया जाएगा। जो फी स्ट्रक्चर होगी, ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूट विद स्टैम्प, उसकी भी ज़रूरत होगी। वह कैंडिडेट्स जिन्होंने पास करा है एक स्टेज ऑफ एजुकेशन, और ठीक है, और वो अब दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट में है, MSc आफ्टर
आईए, बीकॉम आफ्टर बीए, एमए, वो एलिजिबल बीए आफ्टर बीकॉम आफ्टर बीए, यानी कि एक ही आप कह सकते हैं कि एक ही स्टेज को आप दोबारा किसी अलग कोर्स में कर रहे हैं, किसी अलग सब्जेक्ट में कर रहे हैं, दोबारा सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने कंप्लीट कर लिया एजुकेशनल करियर इन वन प्रोफेशनल यानी LLB, BT या BEd, वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो गाइडलाइंस होंगी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई होंगी, उनके आधार पर ही दाखिले होंगे। जो बैंक अकाउंट होगा विद्यार्थी का, उसमें आधार नंबर बच्चे का मेंशन होना चाहिए। सभी एलिजिबल OBC स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो स्कीम के तहत जिन्हें लाभ मिल सकता है, और साथ ही जो पहले की स्कीम है, जो पहले की योजनाएं चली आ रही हैं, या कोई भी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसे कभी भी बदला जा सकता है या उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक ऐसी योजना जिसके तहत PMSSV योजना OBC स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, और यह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, यानी कि 10वीं से ऊपर की कक्षाओं में बच्चा चाहे स्कूल में 11वीं 12वीं में है, या कॉलेज में है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, या फिर कोई भी और कोर्स कर रहा है, डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, सभी OBC स्टूडेंट्स जिनके जो मैंने कुछ आपको शर्तें बताई हैं, कुछ कंडीशंस बताई हैं, अगर वह शर्तें पूरी करते हैं तो वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को बहुत 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 ध्यान से सुना होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसे 1-2-3 बार सुनिए, और इसका जो नोटिफिकेशन जिससे मैं आपको जानकारी दे रही हूँ उसकी कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, आप वहाँ से भी इसे योजना को जानकारी को पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस जानकारी से लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।